वर्तमान सरकार की स्थिति क्या है, हर रोज CPWD का भी निजीकरण, रेलवे का भी निजीकरण, एयर इंडिया का भी निजीकरण, LIC का भी निजीकरण, SBI का भी निजीकरण, बैंकों का मर्जर, सरकारी क्षेत्र की समाप्ति, और बाबा साहब करके गए थे रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं ओबीसी समाज से, तो क्या कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मैं शेड्यूल ट्राइब का आदमी क्यों नहीं बन सकता? नहीं चाहते कि आपका कोई आदमी प्रधानमंत्री बने? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। अरे हम अपना भला अपने आप कर लेंगे, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अरे नारा कब तक गाओगे? अब तो करो कि भाई हम अपने आप ही राज कर लेंगे, हमें आता राज करना। हमने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि हम राज करना जानते हैं, सबसे बढ़िया प्रशासन देना जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेकर के अपने महापुरुषों के नाम पर पूरे देश में जिले बनाए, नोएडा और लखनऊ को पूरा बौद्ध में बना दिया, अम्बेडकर में बना दिया। क्या सत्ता आप लोगों का अधिकार नहीं है क्या? क्या सत्ता आपका अधिकार नहीं है क्या? मैं आह्वान करता हूँ, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो लोग आइए, राजनीति का हिस्सा बनिए। मैंने भी नौकरी छोड़ी है। उनको आमंत्रित करता हूँ जोरदार तालियों के साथ, उनका अभिनंदन कीजिएगा। KP चौधरी साहब, जय भीम। अगर ऐसे जय भीम बोलोगे तो फिर सुनेगा कौन तुम्हारी? जय भीम। जो आदमी यहां है हाथ उठाएगा, पूरी ताकत लगाएगा, 3 बार बोलेगा मेरे साथ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऑल इंडिया CPWD SC ST एसोसिएशन के तत्वाधान में आज वर्षों की परंपरा के अनुसार, जैसा कि मेरा तो सौभाग्य है कि आज बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक, हमारे फेडरेशन के बहुत लंबे समय तक चेयरमैन के पद पर रह करके समाज की सेवा करने वाले और आपके प्रिय राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर VS भारती जी आज हमारे बीच नहीं हैं। और जब याद आती है, मैं तो अपनी बात बताऊं, कई बार तो मैं अब भी उनको फ़ोन मिला देता हूं, एक आदत ऐसी पड़ गई 20-25 साल, क्योंकि 97 में हम दोनों ने काम शुरू किया था साथ साथ, वो फेडरेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए गए थे और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो हम लोग 97 से लेकर के और उनके अंतिम समय तक दोनों साथ साथ थे। मैं एक घटना आपको बताना चाहूँगा। हम लोग दोनों न्यूयॉर्क में थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की एंट्री के 100 वर्ष का एक कार्यक्रम वहां पर था। तो हम वहां से जब वाशिंगटन गए, तो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमने तय किया रात को कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कल। अब दूसरे मुल्क में जाकर के SC ST की डिमांड को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन करना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी दीवानगी कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती थी, अरेस्ट भी हो सकते थे, और वहां जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन कैलिफोर्निया के बाघा साहब, मैं, CV रावत जी, भारती साहब, हम सब लोगों ने, रामदास अठावले, सब लोगों ने तय किया कि कल जो है वाशिंगटन हाउस पर हम अपनी मांगों को लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और वो फोटो आज भी मौजूद है जब मैं देखता हूं उसको, क्योंकि वो कनॉट प्लेस हेडक्वार्टर पे आज भी लगा हुआ है। उस फोटो को जब देखते हैं तो CV रावत जी हमारे बीच नहीं है, भारती साहब हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन वो यादगार आज भी हमारे साथ है। और हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया और हम सही सलामत भारत भी वापस आए। फेडरेशन ने जो भी अचीवमेंट किए वो उनका अगर 100% श्रेय एक बहुत ही कमिटेड और ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में भारती जी को दिया जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी न्याय की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। कई बार वो हमको भी डांटते थे, समझाते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा लिखिए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए, आप ये करिए, वो करिए। मैंने इतना समाज के प्रति समर्पित तो बहुत लोग होते हैं, बट सरकार की नौकरी में रहते हुए और वो भी CPWD जैसे विभाग में रह कर के समाज के प्रति इतने समर्पण से काम करने वाले जो भारती साहब हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली में चाहूंगा आपसे हो जाए। हमारे परिवादी को मैंने अभी फोन किया, जो चीफ पैटर्न है प्रताप जी, ये सब लोग, यशवीर जी बड़े फाउंडर लोग हैं, राजेंद्र कुमार जी, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं
मुकेश मीना साहब, सभी पुरानी टीम है, और मेरा और सीपीडब्ल्यूडी का तो रिश्ता, मुझे लगता है आप भी समझते हैं कि हमारा रिश्ता तो इतना गहरा है कि सीपीडब्ल्यूडी और LIC और फेडरेशन को लोग एक ही मानते हैं पूरे देश के अंदर। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो समाज इकट्ठा हो, चाहे मौका नए साल का हो और चाहे 14 अप्रैल का हो, चाहे 6 दिसंबर का हो और चाहे बुद्ध पूर्णिमा का हो, या कोई शादी और ब्याह हो और लोग इकट्ठे हों और समाज की बात अगर ना हो तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी। साथियों, क्या CPWD अकेला कोई लड़ाई को लड़ सकता है? क्या LIC अकेला लड़ सकती है? क्या रेलवे लड़ सकता है? अगर लड़ सकते तो फेडरेशन नहीं बनाया गया होता, और फेडरेशन के तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन, रामलाल मैदान में रैलियां अगर ना हुई होती, सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन ना हुआ होता, तो संविधान में 3 संशोधन जो हुए, 81, 82 और 85, अगर वो ना हुए होते तो हमारा आरक्षण तो लगभग समाप्त हो गया। वर्तमान सरकार की स्थिति क्या है? हर रोज CPWD का भी निजीकरण, रेलवे का भी निजीकरण, एयर इंडिया का भी निजीकरण, LIC का भी निजीकरण, SBI का भी निजीकरण, बैंकों का मर्जर, सरकारी क्षेत्र की समाप्ति, और बाबा साहब करके गए थे रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में। अब सरकारी क्षेत्र तो खत्म हो गया जी, तो बाबा साहब का दिए आरक्षण का मतलब क्या बचा जी? क्या कोई एक आदमी इस लड़ाई को लड़ लेगा क्या? अरे मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी लड़ाई को लड़ सकता है क्या? इसके लिए तो भाई मेरे, हम सबको एकजुट और इकट्ठे होकर के आना पड़ेगा। फेडरेशन क्या है? संगठनों का महासंघ है, उसमें CPWD भी एक हिस्सा है। जब परेवा जी ने कहा कि राजेंद्र कुमार जी को लीजिए, और जब मैंने ग्वालियर में अभी अधिवेशन हम लोगों ने किया, तो राजेंद्र कुमार जी अपनी टीम के साथ पहुंचे, तो महासंघ की तरफ से उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार जी को दी गई, जोरदार तालियां उनके लिए। और भारती साहब ने तो इस फेडरेशन को लीड किया है। अब राजेंद्र कुमार जी महासचिव के रूप में, आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस महासंघ का हिस्सा है, तो मैं ये कहूंगा कि अब ये जो मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं, कल भी हम एक मीटिंग में थे, हमारे नए मंत्री बने हैं राजकुमार आनंद जी, उनके घर पर कार्यक्रम था, उसके बाद थोड़ी देर बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था, शाम को हरियाणा गुड़गांव में एक कार्यक्रम था, आज शाम को हमने भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नव वर्ष का कार्यक्रम, सारे मंत्री संतरी सांसद अपने समाज के लोगों को बुलाने का बड़ा कार्यक्रम था, 500 लोगों का उसमें रात्रि भोज रखा गया था, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम क्लैश कर गया और कुछ मिनिस्टर्स आज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए प्रोग्राम को चेंज करके 20 तारीख के आसपास ले जाने की बात है, और मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, जो डेट आपको मिले उस प्रोग्राम में इंडिया इंटर सेंटर में आप सब लोग आकर के अपनी उपस्थिति जो है ना निश्चित सुनिश्चित करें। मैं जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय महासचिव की, अब महासचिव की जान को सारा काम होता है, और अब तक जो जिम्मेदारी दी गई है, मैंने मना किया ग्वालियर में अब किसी और को बना दो, राजेंद्र कुमार जी के सामने मैंने तो नॉमिनेशन भी नहीं भरा था, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश के लोगों ने फिर यह जिम्मेदारी मेरे हिस्से में दी है, तो मैं आपको कमिटमेंट जो मेरा पहले रहा है, आज भी मैं यही कहूंगा कि जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से हम लोग आप सबका सहयोग लेकर के उसको उसके साथ न्याय करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज का आंकड़ा सुनिए, कल मैं कुछ आंकड़ा और बताता, पिछले साल आंकड़ा कुछ और था, आज आंकड़ा कुछ और है, और अगले साल अगर हम लोग सब लोग जीवित रहे तो अगले साल का आंकड़ा कुछ और होगा। 36 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए। कितने लोग? पिछली बार 30 लाख थे जब मैं आया था, इस बार 36 लाख हो गए हैं, यानी 4 लाख लोग सरकार की नौकरी में बैलेंस आपका SC ST बचाए। अगली बार कितनी संख्या होगी यह मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। इन जो है बिल्कुल बंद है, आउट बिल्कुल, VRS और CRS और रिटायरमेंट, और यही पूंजी थी जिसका प्रबुद्ध कुमार जी ने जिक्र किया कि 84 में इन्हीं सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके मान्यवर काशी राम जी ने पहले दलित शोषित संघर्ष समिति बनाई, DS4 बनाया, उसके बाद उसको बामसेव ने तब्दील किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, और उसी बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेकर के अपने महापुरुषों के नाम पर पूरे देश में जिले बनाए, नोएडा और लखनऊ को पूरा बौद्ध में बना दिया, अम्बेडकर में बना दिया। क्या सत्ता आप लोगों का अधिकार नहीं है क्या? क्या सत्ता आपका अधिकार नहीं है क्या? मैं आह्वान करता हूं, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो लोग आइए, राजनीति का हिस्सा बनिए। मैंने भी नौकरी छोड़ी है, मेरी नौकरी अभी थी थोड़ी सी, मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगा कि शायद बदलाव होगा, और बदलाव अगर होता
तो इस समय हम भी सरकार का हिस्सा होते और हिस्सा होते तो समाज के लिए और मजबूती के साथ काम करते, जैसे काशीराम जी ने बहन मायावती जी के माध्यम से समाज के लिए काम किया है। जो लोग सेवानिवृत्त हो गए उनको आह्वान करता हूं, आप आइए और राजनीति की जो कुंजी है, चाबी है, जिसको काशीराम जी बताकर गए हैं, उसके माध्यम से इस देश के हुक्मरान बनिए, प्रधानमंत्री अपना बनाइए। राष्ट्रपति तो आपका है, लेकिन वो जो है पहले भी राष्ट्रपति हमारे चीफ पैटर्न थे फेडरेशन के, कोविंद जी 5 साल राष्ट्रपति रहे, और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा केपी चौधरी जी आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होते देख रहे हो। मैंने कहा साहब अब मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं और वहीं बैठ करके फिर आगे का अपना समाज की बात करेंगे, आंदोलन तय करेंगे। दुर्भाग्य रहा कि 5 साल रहे, एक भी बार राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका हमको नहीं मिला। केआर नारायण ने अक्सर हमको बुलाया, जब राष्ट्रपति थे उन्होंने बुलाया भी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को अक्सर फोन भी करते थे वो कि ये लोग आनंद से बात करिए और इनकी समस्या का समाधान करिए। ये काम कोविंद जी नहीं कर पाए। अब हमारी बहन दूसरी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, उनका क्या समय कटेगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं ओबीसी समाज से, तो क्या कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हमें शेड्यूल ट्राइब का आदमी क्यों नहीं बन सकता? नहीं चाहते कि आपका कोई आदमी प्रधानमंत्री बने? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए मैं पूछना चाहता हूं। अरे हम अपना भला अपने आप कर लेंगे, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अरे नारा कब तक गाओगे? अब तो करो कि भाई हम अपने आप ही राज कर लेंगे, हमें आता राज करना, हमने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि हम राज करना जानते हैं, सबसे बढ़िया प्रशासन देना जानते हैं। तो मैंने ये निवेदन है, सेवानिवृत्ति के बाद कोई रुकावट नहीं होती किसी पर भी, जो लोग इच्छुक हैं वो आइए, राजनीति का हिस्सा बनिए, मजबूत करिए। और जिस तरीके से हमने आरक्षण को बचाने के लिए रामला मैदान में रैलियां करके एक के बाद और एक के बाद दो और दो के बाद तीन, तीन के बाद चार इस सरकार को झुकाया था, 2-3 मुद्दों पर काम करना है। फिर एक तो आरक्षण कानून ही नहीं बना, कानून बन गया होता तो आज ये क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था अपने आप हो गई होती। आरक्षण कानून नहीं बना, कुत्ता मरने का कानून है, हिरन मरने का कानून है, इस देश की 1/4 आबादी के आरक्षण का कानून ही नहीं बना आज तक भी, बड़े इस देश का दुर्भाग्य देखिएगा। आरक्षण कानून बने, निजी क्षेत्र लाना सरकार की मजबूरी है, ठीक है, लेकिन निजी क्षेत्र में आप कानून बना करके आरक्षण लागू क्यों नहीं करते? लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने लोग सहमत है लागू होना चाहिए? इसके लिए आपको इंडोर मीटिंगों से यह सरकार दबाव में आने वाली नहीं है, इसके लिए फेडरेशन आह्वान करेगा। अप्रैल के महीने में रामला मैदान में कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, जैसे पहले 97-98 आप लोग आए थे, पूरे देश के लोगों को बुलाया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, समाज के हकों की बात की जाएगी और कुछ लोगों को भट्टी में झुकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उनमें से एक मैं हूं। सभी को जय भीम नौबुद्धाय। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय हमारे महासंघ के सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी साहब, तो ये जो प्रश्न मार्क, जो प्रश्न सूचक और जो एक सवाल चौधरी साहब ने इस मंच के माध्यम से दिया, उसके बारे में मैं भी सोचने में मजबूर हो गया और शायद यहां बैठा हर व्यक्ति सोचने में मजबूर हो गया होगा। तो हमें सोचना चाहिए और इसमें हमें सोचना पड़ेगा। मैं इसी के साथ